नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में रांची से जमशेदपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित तेमारा घाटी के पास पहुंचते ही मोबाइल फोन का समय और साल बदल जाता है। NH-33 हाईवे रांची को जमशेदपुर से जोड़ने वाली सड़क है, मगर लोग इसे मौत का हाईवे भी कहते हैं। इस हाईवे पर पड़ने वाला तेमारा घाटी बेहद खतरनाक है। अगर आप सफर कर रहे हों और हाईवे पर हर ओर घने जंगल और पहाड़ हों, खुद ही आपके दिल में एक अनजाना सा डर लगा रहेगा। लेकिन तभी आप देखते हैं कि आपके फ़ोन की घड़ी में समय सीधे 2022 से 2024 पहुंच गया है, तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। कुछ ऐसा ही वाकया झारखंड की सुनसान घाटी में कई लोगों द्वारा सुनने में आया है। लोगों का कहना है कि इस घाटी के पास से सफर के समय पर यह टाइम जो बदल जाता है उसमें 150-200 साल आगे बढ़ जाता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक झारखंड में रांची से जमशेदपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित तेमारा घाटी के पास पहुंचते ही मोबाइल फोन का समय और साल बदल जाता है। NH-33 हाईवे रांची को जमशेदपुर से जोड़ने वाली सड़क है, मगर लोग इसे मौत का हाईवे भी कहते हैं। इसी हाईवे पर पड़ने वाले तेमारा घाटी बेहद खतरनाक है। चारों ओर बड़े पहाड़ और जंगल इस घाटी से होकर गुजर रहे हैं, रास्ते को खुद ब खुद दहशत से भर देते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब आप तेमारा घाटी के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो आपका फोन भी खुद ब खुद आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आपके मोबाइल फोन का डेट और टाइम बदलकर 2 साल आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे, आपका फोन सही समय दिखाना शुरू कर देगा। यहीं पास में ही स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने बताया कि यहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं तो अटेंडेंस 1 साल आगे यानी 2023 से 2024 का बन जाता है। इस कारण से हम अब अटेंडेंस रजिस्टर ही बनाना बंद कर दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका बागेश्वरी कुमारी के मुताबिक यहाँ से गुजरते समय मोबाइल पर समय बिल्कुल बदल सा जाता है। कई बार मोबाइल पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मोबाइल पर इंटरनेट से होने वाला कोई भी फंक्शन काम नहीं करता। यहाँ आसपास के कुछ ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉल तो किया जा सकता है मगर इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं करता। तारीख और समय भी बदल जाता है। हालांकि इसका कारण उन्होंने कर्क रेखा को माना है जो कि इस क्षेत्र से गुजरती है। वहीं इस मामले में रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के लेक्चरर डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी ने एक टीवी चैनल को बताया कि बीते कुछ महीनों में तेमारा घाटी के पास इस तरह की घटना से जुड़े कई काल आ चुके हैं। हाल ही में बच्चों का एक ग्रुप स्कूल से उस जगह पर गया हुआ था, मोबाइल फोन में उनका भी समय और साल बदल गया। डॉक्टर प्रियदर्शी के मुताबिक रांची से पास और तेमारा घाटी के पहले एक नामकुंड इलाका पड़ता है। इसके पास खोज के दौरान कुछ ऐसे पत्थर मिले जिससे पता चलता है कि इलाके में मैग्नेटिक चट्टान वाले पत्थर हैं। यह पत्थर वहाँ काफी मात्रा में है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बनी रही है विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।